फिलहाल अगर आप नीट के एग्जाम को देखोगे, अभी तक पेपर लीक होते थे बहुत सारे, लेकिन नीट के पेपर ने एक अलग ही लेवल पर लीक कर दिया। आप सोचिए, हम जैसे करते हैं भाई, मान लीजिएगा मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं रैंक वन लाना चाहता हूँ, तो रैंक वन लाने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि हाँ मेरी जो है ये वाला इंस्टीट्यूशन में मेरी पोजीशन के लिए, मान लीजिए हिंदुस्तान में एम्स है, तो एम्स में बिल्कुल क्या होगी के लिए, तो माँ बाप हुआ, बच्चा हुआ, वो पूरा साल मेरा बच्चा इतना मेहनत करता है और उसके बाद वो स्कोर लाता है 720 out of 720। अब उसके बाद भी वो ये नहीं कह सोच सकता या कह सकता कि उसके लिए एम्स में कोई जगह पक्की है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जितने जो टॉपर्स आए हैं जिनके 720 out of 720 आए हैं, वो सारों के लिए एम्स में सीटें ही नहीं है। पर जब एनटीए देखता है तो उस पर एनटीए कुछ और ही बताता है, कितने बच्चे, आप सोचो आउट ऑफ आउट, तुम लोग 150 में से 90 लाने नंबर के लिए रोते रहते हो, सीटेट में तुम्हें लगता है कि 90 तो क्या करेंगे, तुम 82 ही दे दो। अब वो सोचो कि नीट में बच्चा 720 नंबर ले आया है 720 में से, और स्टिल वो ये AIR 1 तो हो गया, लेकिन उसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलने के लिए लाले हैं, क्योंकि उस लिस्ट में अगर देखा जाएगा तो जितनी सीट एम्स के पास है उसमें से उनके पास बेटा उससे ज्यादा तो बच्चे नंबर 1 पे आ गए। तो ये कैसे होगा, क्या होगा, 67 स्टूडेंट टॉपर AIR 1 है, और तुम देखो 82 नंबर के लिए, बस पास हो जाओ, है ना ये वाली बात। मतलब बहुत कंपटीशन है, थोड़ा अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो वैसे मुझे लगता है जांच होना चाहिए, और मेरे को तो हमेशा लगता है कि जो नॉर्मलाइजेशन है ना बहुत घटिया प्रोसेस है, आप इसे पता नहीं किस तरीके से करते हैं कि कोई क्लियरिटी नहीं मिल पाती, है ना। चलिएगा।